हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम प्रीवियस ईयर 2018 दिसंबर के होम साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज मिड लाइफ ट्रांजिशन इन विच फर्टिलिटी डिक्लाइंस एंड ब्रिंग एंड टू रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन्स एंड डिमिनिश्ड फर्टिलिटी इन मैन इज कॉल्ड। वुमेन के अंदर जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाती है और मैन भी जब फर्टिलिटी नहीं कर पाते, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? आर ऑप्शंस आर मेनोपॉज, स्पर्मार्च, मेनार्च एंड क्लाइमेक्ट्रिक। सो द आंसर इज क्लाइमेक्ट्रिक, बिकॉज मेनोपॉज का मतलब होता है ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं और वुमेन दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। स्पर्मार्च एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर बॉयज की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और उनके स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हम सेमेनार्च भी बोलते हैं। मेनार्च हमारा फर्स्ट अकरिंग, जब हमारे मेंस्ट्रुअल वुमेन्स के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, जो पहली स्टेज होती है जब जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं उसको मेनार्च बोला जाता है। और क्लाइमेक्ट्रिक वो स्टेज होती है जिसके अंदर हम मेल, इसको मेल क्लाइमेक्ट्रिक भी बोलते हैं, मेल मेनोपॉज भी बोलते हैं, जैसे वुमेन में भी मेनोपॉज होता है, ऐसे ही मेल्स के जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो लो लेवल के हो जाते हैं और ज़्यादा इम्पैक्टफुल अपना वर्क नहीं करते, इसको एंड्रोपॉज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स, इनमें से ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है? फ्रिंज बेनिफिट, स्पेस, वाटर और टाइम। सो आंसर इज टाइम, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉलेज, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, टाइम, जो हमारे ह्यूमन के अंदर होता है ये सारे। सो टाइम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग textured filament yarns does not require the property of thermoplasticity, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी थर्मोप्लास्टिसिटी के लिए नहीं चाहिए? थर्मोप्लास्टिसिटी एंड द ऑप्शंस आर नाइफ एज, क्रिम्प गियर अप, फॉल्स ट्विस्ट और एयर जेट। सो द आंसर इज एयर जेट, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी है नाइफ एज, क्रिम्प गियर अप, फॉल्स ट्विस्ट, निट द निट, गियर बॉक्स और स्टफर बॉक्स, बिकॉज इसके अंदर हम अपने यान में क्रिम्प दे देते हैं, अपने यान में वेवी इफेक्ट देते हैं विद इफेक्ट टू हीट, हीट की वजह से। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय, जो हमारा मिशन है ये इनमें से कौन सी डेवलपमेंट, कौन सा एरिया रन करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल एरियाज। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, बिकॉज जो हमारा रूरल, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये, इसको NRLM भी बोला जाता है और ये पॉवर्टी के लिए वर्क करता है। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था और इस स्कीम में उन्होंने रूरल के जो पुअर्स थे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और देने के लिए इस इनिशिएटिव को ऑप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ मिल्क विच गिव्स मैक्सिमम कोएगुलेट इज, कौन सा पॉइंट होता है जिसपे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है मिल्क का? 6.6, 3.8, 5.2 और 4.6। सो द आंसर इज 4.6, क्योंकि जो pH वैल्यू होती है उसी को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, इसको IEP भी कहा जाता है और ये वो पॉइंट होता है pH का जिसके अंदर प्रोटीन लीस्ट सॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RDA ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू ICMR 2010 फॉर लैक्टेटिंग मदर्स आर 78 ग्राम पर डे, 55 ग्राम पर डे, 74 ग्राम पर डे और 68 ग्राम पर डे। एंड द आंसर इज 74 ग्राम पर डे। ये ICMR की जो बुक है उसमें RDA आपको दे रखे हैं, आपको उसको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द फुल फॉर्म ऑफ ILGWU इज, इंटरनेशनल लेबर एंड गवर्नमेंट वर्कफोर्स यूनियन, इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन, इंडियन लॉ एंड गवर्नमेंट वेलफेयर यूनियन और इंटरनेशनल लॉ एंड गारमेंट
वर्कर्स यूनियन? सो द आंसर इज इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन. ये जो यूनियन थी ये यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट की थी और ये सबसे पहली ऐसी यूएस यूनियन थी जिसके अंदर फीमेल मेंबरशिप सबसे पहले अहम भूमिका निभा रही थी और उन्होंने 1920 और 1930s में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वुमेन्स ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्शंस आर कॉन्टिन्यूटी, फॉरवर्ड लुकिंग, रेमुनरेशन और गाइडिंग. सो द आंसर इज रेमुनरेशन बिकॉज जो हमारे फेयोल्स के प्रिंसिपल्स थे वो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे. वो हैं डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केल चेन, ऑर्डर, इक्विलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनली, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट द कॉप. सो द आंसर इज रेमुनरेशन. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड शील्ड्स आर यूज्ड इन. फूड शील्ड्स जो होती है खाने के ऊपर जो शील्ड्स ढकी होती है वो कहाँ पर यूज की जाती है? हॉस्पिटल्स इन पेशेंट ट्रे सर्विस, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज और एयरलाइन कैटरिंग. सो द आंसर इज कैफेटेरियाज. कैफेटेरियाज के अंदर ही हम इस तरह का सिस्टम देखते हैं जिसमें फूड शील्ड्स जो हैं वो ढकी हुई होती हैं और आपको जाना होता है, शील्ड्स हटानी होती है और अपना खाना सर्व कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिंगल केस इन टर्म एज. जो हमारी साइकोलॉजिकल स्टडी होती है सिंगल केस की उसको क्या कहते हैं? होलोफ्रेस्टिक अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच. सो द आंसर इज आइडियोग्राफिक अप्रोच. अब हम समझेंगे कि ये सारी अप्रोचेस होती कौन सी है. फर्स्ट इज होलोफ्रेस्टिक अप्रोच. इसमें चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी सारी ऐसी वॉइसेस को, सिंगल वर्ड्स को, और ये समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स किन वर्ड्स और किन साउंड से अटेंशन देते हैं उन्हें, तो वो उन्हीं को मोस्टली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव अप्रोच. नॉर्मेटिव अप्रोच में एक ऐसी वैल्यू बेस्ड अप्रोच है ये जो कम्युनिटीज़ को बिल्ड करती है और इसके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पज़ और सक्सेस को एक्सपीरियंस भी करती है. लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच की बात करेंगे हम, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे या पैनल स्टडी भी कहलाती है. रिसर्च डिज़ाइन है जो इन्वॉल्व करता है कि सेम वेरिएबल्स को रिपीट ऑब्जर्वेशंस के साथ लंबे या कम टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डाटा हो गया. आइडियोग्राफिक अप्रोच, ये अप्रोच इंडिविजुअल या यूनिक ह्यूमन की नेचर को एक्सप्रेस करती है और एम्फोसाइज करती है. सो हमारा जो क्वेश्चन था वो भी हमारा यही था कि साइकोलॉजिकल सिंगल केस की क्या होगी, तो वो आएगा हमारा आइडियोग्राफिक अप्रोच. सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस. नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम जल्द ही लेके आएंगे. प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए KMS Fashion को. थैंक यू.